सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सैमसंग गैलेक्सी M31 25 फरवरी को इंडिया के अंदर लॉन्च होगा, लेकिन अब सैमसंग गैलेक्सी M11 के लीक्स यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। तो सैमसंग गैलेक्सी M11 के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर आए हैं और बैक साइड का जो केस रेंडर है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। जिस तरह से यहाँ पर आप कुछ सर्टिफिकेशन देख सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M11 के बारे में निकल के सामने आया है और इस फ़ोन में आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिखाया जा रहा है और बैक साइड में ही आप लोगों को फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी M11 बताया जा रहा है कि आपको मार्च के मंथ में देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो under 10 के यहाँ पर होने वाला है। तो जो लोग सैमसंग के स्मार्टफोन under 10 के देख रहे थे शायद उनके लिए काफ़ी अच्छा डील ये बन सकता है। साथ में ये पता चला कि जो सैमसंग गैलेक्सी M11 आएगा यहाँ पर आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी मिलेगा। तो नो डाउट जब से सैमसंग अपने एम सीरीज को इंट्रोड्यूस किया था तो उनके एम सीरीज के स्मार्टफोन में आपको काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल रहा था और उसी को सैमसंग यहाँ पर आगे रखते हुए सैमसंग के M11 में आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा। हालांकि नॉर्मल ही चार्जर आपको मिलेगा जिस तरह से आपको बाकी सैमसंग के स्मार्टफोन में मिलता है। तो देखिए, आप एक बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन से आप उतना भी इस फ़ोन से उम्मीद नहीं लगा सकते कि आपको इसमें ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जो लोग सैमसंग के स्मार्टफोन under 10 के देखते हैं, जिनको अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, तो मे बी उनके लिए ये स्मार्टफोन हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को फुल HD+ का रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको शायद HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, तो फुल HD आपको नहीं मिलने वाला है। बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा जो कि सैमसंग का होता है 13 MP प्लस 5 प्लस 8 MP का, तो ये आप देख सकते हैं। और फ्रंट में आपको बताया जा रहा है कि 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बजट का देखते हुए ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, हालांकि ये ऑनलाइन में आएगा तो उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा चिपसेट दे ताकि एक अच्छा लोगों को ट्रस्ट भी बना रहे कि हाँ भाई फ़ोन का चिपसेट भी काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं कि ये स्मार्टफोन मार्च में कब तक आता है और जो लोग सैमसंग के स्मार्टफोन एक सेकेंडरी स्मार्टफोन देखते हैं उनके लिए एक अच्छा डील होगा। अब तो मार्च के बाद में सैमसंग के और 2-3 स्मार्टफोन आएंगे जिसके बारे में आने वाले दिनों में आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। तो चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आप लोग बोलिएगा कि सैमसंग के M11 के बारे में क्या आप लोग क्या सोचते हैं और सैमसंग के एम सीरीज के स्मार्टफोन Q1 में काफ़ी देखने को मिल सकता है आप लोगों को। तो M31 जो आएगा ये बेसिकली ऑफलाइन मार्केट के लिए सैमसंग ने टारगेट किया है और M30s ऑलरेडी ऑनलाइन में बना हुआ है तो वो उसी तरह से रहेगा, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M31 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।